छत्तीसगढ़ के भिलाई के आकाशगंगा सुपेला स्थित पारस ज्वेलर्स में सेंध मारी कर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 36 घंटे में ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से 3 करोड़ के जेवरात व नकदी व 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी ज्वेलरी दुकान से चोरी किए गए जेवर व नकदी कहीं छिपा नहीं पाया। आरोपी पहले भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हाल ही में उसने 3 दर्शन मंदिर के सामने स्थित बाजार शोरूम में भी लाखों की चोरी की थी। आरोपी चोरी के जेवर बेचकर ब्यूटी पार्लर खोलने की योजना बना रहा था। इसके लिए उसने एक ब्यूटी पार्लर से 6 माह की ट्रेनिंग मिली थी। मामले का खुलासा करते हुए आईजी विवेकानंद सिन्हा व एसपी अजय यादव ने बताया कि 11 फरवरी की रात को पारक ज्वेलर्स में चोरी की घटना के बाद पुलिस की 6 टीमों ने लगातार सर्च किया और आरोपी तक पहुंची। आरोपी को पकड़ने में लोहा काटने वाला ब्लेड मददगार साबित हुआ, जिसकी मदद से आरोपी तक पहुंची। आईजी सिन्हा ने बताया कि आरोपी का नाम लोकेश श्रीवास है और आदतन चोर है। शातिराना अंदाज से सेंध मारी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी लोकेश श्रीवास कैलाश नगर कवर्धा का निवासी है। इसका ससुराल राधिका नगर सुपेला में है। इसने पूर्व में भी सुपेला व छावनी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। महज 2 दिन में ही पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को रैन बसेरा से गिरफ्तार किया है। दुर्ग भलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। पुलिस की क्या भूमिका है और कैसे चोरी की सूचना मिलने के पश्चात 12 तारीख की जब सूचना आई थी, पुलिस ने पूरे वरिष्ठ अधिकारियों सहित पूरी टीम वहां पे पहुंच गई थी और पुलिस ने कई भागों में अपनी टीम बांटी थी। लगभग 6 टीमें बनाई गई थी और एडिशनल एसपी सिटी रूरल और पूरे के पूरे अधिकारी लगे हुए थे। उसके साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट वालों को बुलाया गया था और उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट वहाँ से लिफ्ट किया गया था। पुलिस ने वहाँ पे जिसको बोलते हैं फुटेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर बना करके फोटो का एनालिसिस किया था। उसके साथ साथ टावर डंप काफ़ी लिया गया था और एनालिसिस किया गया था। उसके साथ साथ बगल की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें जो कई मजदूर बाहर से काम कर रहे हैं तो बाहरी गैंग पे शक के आधार पर उनको भी चेकिंग की गई थी और लोकल जो अकेले कार्रवाइयाँ करते हैं वैसे लोगों पर लिस्टिंग की गई थी। लगभग 125 लोगों से पूछताछ की गई थी और लास्ट 18 घंटे में कोई टीम रुकी नहीं है और लगातार फुटेज एनालिसिस किया गया था। लगभग 12,000 से ज़्यादा नंबरों का एनालिसिस हो गया इतनी देर में और उसके बाद फिर हम लोग एक नतीजे पर पहुंचे कि सिंगल वाला हो सकता है। वैसी स्थिति में इस तरह की घटना करने वाले कुछ लोगों को देखा गया और उसमें फिर जो सस्पेक्ट है अभी श्रीवास लोकेश श्रीवास जिसको हमने पकड़ा और इसे पूछताछ के पश्चात इससे पूरा माल बरामद किया गया। चोरी जो है 2,59,00,000 की थी और लगभग 5 किलो 400 ग्राम के आसपास टोटल सोना इसमें मिला हुआ है। गिरवी रखने वाला सोना 2 किलो 90 ग्राम है और जो नया सोना गया है वो 3 किलो 300 ग्राम से अधिक का है और उसके साथ साथ लगभग 1.5 लाख रुपये हैं, 1,40,000 के आसपास जो उसने गल्ला तोड़ करके निकाला था वो देखा गया। और ये बगल की बिल्डिंग से पिछले जो निर्माणाधीन दीवार में चन्नी लगी होती है ना जो बांस के होते हैं उससे चढ़ा था और उसी के माध्यम से दूसरी इस बिल्डिंग में आया और जहाँ लिफ्ट वाला ब्लॉक होता है 4th फ्लोर के ऊपर वहाँ का दरवाज़ा तोड़ करके वहाँ वेट किया और वहाँ इसने जो 4 इंच की दीवार देखी थी उस दीवार को लिफ्ट का एक लीवर होता है उस लीवर के माध्यम से पेचकस लेके आया था उससे तोड़ा और एक आदमी के घुसने की जगह बनाई और वहाँ से काफ़ी रिस्की प्रोसेस था पर वहाँ से ये घुसा था और 4th फ्लोर में लिफ्ट के दरवाजे से निकला। लिफ्ट के दरवाजे के लीवर को हटाया है और उसके बाद उस लीवर से अंदर आया दरवाजे को खोल करके और वहाँ पे फिर इसने डीवीआर और जो मेन कनेक्शन वाला जो रूम था वहाँ से पूरा प्लग ऑफ कर दिया ताकि पूरे कैमरे बंद हो जाए और उसके पश्चात फिर इसने घूम करके चोरी की है और ग्राउंड फ्लोर में जो इनका लॉकर था वो लॉकर तोड़ा है और एक कटर लेके आया था बाहर से जहाँ से खरीदा है दुकान वगैरह की जानकारी अभी ले ली गई है। उस कटर से अंदर का ग्रिल काटा था और उसके बाद पैसा ले करके अलग अलग 2-3 बैग में बना करके फिर ऊपर निकला था और 11 की रात 12 बजे 12:15 के आसपास बगल की बिल्डिंग के अंदर से निकलते हुए उसका जो बैक साइड का दरवाज़ा वो लोग बंद रखते हैं जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ का दरवाजे का ताला तोड़ा वहाँ से निकल कर निकला। सर एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, पुलिस आरोपी तक पहुंचे कैसे? JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।